गांव के अंदर एक महाराज आए हुए हैं और बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। बहुत सी स्त्रियों ने तो उसे अपना गुरु धारण कर लिया है। ऐसी आपस में स्त्रियां चर्चा कर रही थी। दोस्तों, ऐसा अक्सर हुआ करता है, कथा सुनाने वाले, प्रवचन देने वाले, मीठा प्रवचन देने वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले आपको बहुत मिल जाया करते हैं और हम उनकी बातों में आकर उन्हें गुरु धारण कर लेते हैं। गुरु का दर्जा हम अपनी संस्कृति में भगवान से भी ऊंचा मानते हैं और विभिन्न प्रकार के गुरुओं ने किया क्या कि अपने अपने शिष्य बनाकर अपने अपने मत और संप्रदाय खड़े कर दिए। विश्व गुरु कहलाने वाला अपना भारत देश स्वयं इसी मत और मजहब के पीछे खंडित होने लगा। आज आप इन परिस्थितियों को देख रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य एक साधारण प्राणी है और वह चाहता है कि मेरा यह जीवन भी सुधरे और अगला जीवन भी मेरा सुधरे। अब यह साधारण प्राणी, भोला भाला प्राणी इन मत मतांतर बनाने वाले गुरुओं के चक्कर में आ जाता है और वहीं से खड़ी हो जाती है मजहब की दीवार, जो बड़ी घातक है। दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं बताऊंगा कि गुरु को कैसे पहचाने, गुरु धारण कैसे करें, गुरु की पहचान क्या है। यदि हमें सच्चा और सीधा गुरु मिल जाता है तो हमारा यह जीवन भी सुधर जाता है और अगला जीवन भी सुधर जाता है। दोस्तों, एक भक्त हुए दादू और वे अपनी भक्ति के कारण पहचाने जाते थे तो उन्हें लोग महाराज कहने लगे, यानी दादू महाराज के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, यही दादू महाराज जब एक शहर के पास में एक जंगल था और उस जंगल में कुटिया में रहते थे तो शहर के कोतवाल को पता चला कि पास के जंगल में कुटिया में कोई दादू भक्त रहते हैं, बड़े महाराज हैं। अब कोतवाल भी थोड़े थोड़े भक्ति भाव में रुचि रखते थे। क्यों ना अगर अच्छे भक्त हुए, महाराज हुए, तो क्यों ना मैं उन्हें अपना गुरु बना लूं। ऐसा सोचकर वे घोड़े को लेकर के जंगल की ओर चल दिए। जंगल जब प्रारंभ हुआ और कुछ दूर वे घोड़े पर चलते गए तो दोस्तों उन्हें रास्ते में एक पथिक दिखाई दिया। सोचा कि इस पथिक से दादू महाराज का पता पूछ लेते हैं। वह पथिक अपने रास्ते में जो झाड़ झंकार खड़े हुए थे उनकी सफाई करता हुआ आगे बढ़ रहा था और काफी रास्ता उसने साफ भी कर दिया था। कोतवाल वहां पर पूछते ही कहने लगे कि ए पथिक, क्या तुमने यहां कहीं दादू महाराज रहते हैं
क्या आप जानते हैं उसे? पर पथिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ऐसा रुख देख करके और कोतवाल फिर कहने लगे, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, मैं शहर का कोतवाल हूं। कोतवाल, मुझे बताइए कि क्या यहां आप दादू महाराज को जानते हैं या नहीं जानते हैं? उसकी यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। अब उसकी मुस्कुराहट देखकर कोतवाल को तो और झल्लाहट आ गई, आखिर ठहरे ना शहर के कोतवाल, और अपने चाबुक से उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते और उसने उसे जोरों का धक्का दिया और वह व्यक्ति पत्थर पर गिर पड़ा। उसके सर में चोट लगी, खून बहने लगा, पर कोतवाल ठहरा ना, उसके पास कोई दया नाम की चीज थोड़े ही ना थी। वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक व्यक्ति और दिखाई दिया। उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप दादू महाराज को जानते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि दादू महाराज रहते तो पास की कुटिया में ही हैं, वह कुटिया पास में ही बनी हुई है, परंतु इस समय वह रास्ते में झाड़ियां साफ कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं। इतना सुनते ही कोतवाल के माथे पर पसीने आ गए। वह सोचने लगे कि यह क्या कर डाला, क्या मैंने जिसको पीटा वह दादू महाराज ही थे? मन में इस प्रकार सोचते सोचते वह तुरंत घोड़े को वहां से मोड़ देते हैं और जहां पर वह व्यक्ति को छोड़कर गए थे वे वहीं पर आ जाते हैं। अब कोतवाल ने देखा कि वह व्यक्ति अपने सर पर पट्टी बांधे हुए है जहां से खून निकलने लगा था, और वह फिर से अपनी झाड़ियों को काट रहा है। यह देखकर कोतवाल शर्म से नीचे बैठ गए घोड़े से उतर और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे। कहने लगे, दादू महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्रोध में आ गया था, मेरे अहंकार ने आपको क्षति पहुंचाई, इसके लिए आप जो चाहे मुझे दंड दें। दादू ने उसे उठाया और कहने लगे कि आपने कुछ नहीं किया, आप जब घर से चले थे तो गुरु की खोज में चले थे कि अच्छा गुरु मिले तो मैं बनाऊं। अब कोई व्यक्ति यदि मटका भी बाजार से खरीदता है तो उसे भी ठोक बजा करके देखता है ना कि कच्चा है या पका हुआ है, और फिर तो आप जीवन भर के लिए किसी को गुरु बना रहे हैं तो ठोक बजा करके देखना आपका भी तो कर्तव्य बनता है ना। कोतवाल यह सुनकर के दंग रह गए। उन्होंने उनको पीटा भी और फिर भी वो इतनी अच्छी और शांत बातें कर रहे हैं।
कहने लगे, मैं महाराज आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आप मुझे शिक्षा का मार्ग बताएं। तब दादू कहने लगे, ये जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी आप देखते हैं, ये मार्ग से भटकाने वाले हैं, मार्ग को रोकने वाले हैं। आपका मार्ग भी क्रोध और अहंकार ने रोक रखा था, आप में भक्ति भाव की पूर्ण भावना है, आपका जीवन बहुमूल्य है, आप प्रभु के चरणों में रहें। तो जिस प्रकार मैं इस रास्ते से ये झाड़ियाँ साफ कर रहा हूँ ताकि पथिक को कोई दिक्कत ना हो और वह अपनी मंजिल पर आराम से पहुँच जाए, इसी प्रकार से आपके जीवन में भी यह जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं, यह अब हटने लग जाएंगे और आपको अच्छा मार्ग मिलने लग जाएगा और आप प्रभु की शरण में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार होती है गुरु की पहचान। लेकिन मेरी बात का कहने का यह अर्थ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप पीटने लग जाएं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप गुरु के मीठे प्रवचन में ना आए, आप गुरु के साथ रह करके, पास रह करके देखें कि उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। यदि उनकी कथनी उनकी करनी के समान है, यानी कि जो जितना मीठा बोलते हैं अंदर से भी वे उतने ही मीठे हैं, तो गुरु बनाने के योग्य हैं। ऐसे गुरु को यदि आप बनाएंगे तो जीवन में सदा मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, यह होती है सच्चे गुरु की पहचान। दोस्तों, अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।